हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज इग्नेश पटेल एंड आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी लेवल्स फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि रहेगा मंडे को। और जिस हिसाब से हम आज मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिला है और जो प्राइस एक्शन रहा है वो हम देखेंगे, जो लेवल्स हमने मार किए थे वो कैसे इंटैक्ट रहे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं वो हम मार्क करेंगे। तो ये दिस इज द फ्यूचर चार्ट 5 मिनट बैंक निफ्टी और हम देख पा रहे हैं जो प्राइस एक्शन हमको देखने को मिला था, जो एग्जिट मार्केट ओपन हुआ, जो सपोर्ट हमारा था 31,540 का, तो वही लेवल के पास हमको आज मार्केट ओपन होते हुए दिखा। अगर आप आज का ट्रेडिंग सेशन का लो भी देखें तो 31,540 एग्जिट सपोर्ट लेवल पे ओपन हुआ। सो सपोर्ट पे शॉर्ट सेलिंग करना कोई इतना अच्छा मूव नहीं कहलाता, इसलिए यहाँ पे वी कुड अवॉइड शॉर्ट सेलिंग। और हमने देखा कि मार्केट एक बाउंस हुआ, फिर से रिट्रेस हुआ और फिर एक अच्छा रैली हमको यहाँ से एक ऐसा देखने को मिला। तो दिस इज अ गुड पॉसिबल ट्रेड ऑफ फ्यूचर्स और मे बी इन ऑप्शंस, वीकली ऑप्शंस। सो उसके बाद हमको मार्केट एक साइडवेज में देखने को मिला और एंड में हमको ये जो सपोर्ट था प्रीवियस डे का लो 31,745 वो एक रेजिस्ट होते हुए यहाँ पे दिखा और उसके नीचे ही मार्केट बैंक निफ्टी का क्लोज देखने को मिला। तो ये था मूवमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन का और अभी हम मार्क करेंगे लेवल्स फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि रहेगा पहला हाई ऑफ प्रीवियस डे, तो रहेगा 31,875। तो हम वो लेवल पहले मार्क कर लेते हैं। ये रहेगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई का रेजिस्टेंस और आज के ट्रेडिंग सेशन का लो हमने ऑलरेडी ये जो पिंक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मार्क किया था वही रहेगा। तो मैं अपना जो ट्रेडिशनल लाइन है पिंक कलर का वो एक बार शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो दीज आर द लेवल्स हमने डेज हाई एंड लो मार्क कर लिया है। अभी देखेंगे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा रह सकता है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन सा रहेगा। तो उसके लिए हम जैसे कि हमको ये एक गैप का एक आज के डिसीजन में एक हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि काफी बड़ा एक गैप हमको यहाँ पे देखने को मिला था। ये तो ये कुड बी पॉसिबल नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक टॉप, यहाँ पे एक टॉप, तो ये भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो लेवल्स हम पहले मार्क करते हैं और ये लेवल्स रहेंगे 32,025 जो कि एक अच्छा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। और अभी नीचे के सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमको यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है एक इम्पोर्टेंट जो गैप का सपोर्ट था वो हमको आज देखने को मिला। उसके नीचे का जो स्विंग का सपोर्ट है जो कि रहेगा एक 31,410 का लेवल है, तो वो हम एक बार मार्क कर लेते हैं। तो 31,400 का लेवल हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। So this could be your important support for next trading session. So these are the levels. Previous trading session का जो high है वो है 31,878 और जो support है वो 31,540. Important support है 31,400 and important resistance 32,025. So these are the levels आप who look forward for next trading session as support and resistance. अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो इसको जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।